जनपद आगरा के पिनाहट कोटा बैराज से बड़ी संख्या में पानी छोड़े जाने के बाद एक बार फिर चंबल नदी अपने भीषण उफान पर है। आलम यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का उफान इस वर्ष का सबसे बड़ा उफान हो सकता है, क्योंकि पानी के बहाव से अंदेशा यही लगता है कि रविवार का सबेरा नदी का खतरे का निशान से ऊपर ले जा सकता है। बता दें कि बुधवार को कोटा बैराज से करीब 4,16,000 क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा गया है, जिसके नदी में आते ही 124 मीटर पर बह रही चंबल नदी अचानक तेज गति के बहाव के साथ बाढ़ जैसी स्थिति में आ गई और रविवार शाम तक नदी का जल स्तर बढ़कर 131 तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से मात्र 1 मीटर दूर है। नदी के बहाव को देखते हुए नदी खतरे के निशान को शनिवार रात में ही छू सकती है। वहीं छोड़ा गया पानी का मुख्य बहाव रविवार शाम तक पिनाहट घाट पहुँच पाएगा, जिससे अंदेशा यही लगता है कि इस बार नदी तटवर्ती गांवों में भीषण बाढ़ ला सकती है। वही बता दें कि नदी के उफान को देखते ही शासन प्रशासन भी हाई अलर्ट पर रहा। राजस्व विभाग की टीमें तटवर्ती गांवों में पहुंची और उन्होंने हालात का जायजा लिया व यहां के ग्रामीणों की सतर्क रहने व तत्काल सूचना देने को कहा। सर, ये चंबल नदी में लगातार जल स्तर तेजी साथ बढ़ रहा है, इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा जो चंबल से सटे हुए गांव हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? उनके लिए सबको अवगत कराया जा रहा है कि पानी का लेवल बढ़ रहा है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएं, और अभी कुछ गांव में चंबल का पानी से आवागमन प्रभावित हो रहा है। ऐसे जगहों पर आवागमन सुचारू करने के लिए स्टीमर भी लगाया गया है और सारी बाढ़ चौकियाँ सक्रिय कर दी गई हैं, सारे कर्मचारी इस पर निरंतर नजर रखते हैं। अभी जल स्तर कितना है सर? अभी जल स्तर इस समय 131 मीटर के आसपास है। कितनी और बढ़ने की संभावना है? अभी तो जल स्तर जो प्राप्त सूचना सिंचाई विभाग से अभी कुछ देर बढ़ेगा, हालांकि धौलपुर में कुछ पानी घटना शुरू हो गया लेकिन उसका असर अभी यहाँ पे 8-10 घंटे में आएगा। जी सर, अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।